शुरुआत हुई आपके लिए स्क्रीन की? शुरुआत तो बहुत ही अच्छी रही क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस्ड शूटिंग थी हम लोगों की. पहले दिन से आज आखिरी दिन तक ऐसा लग रहा कि समय ऐसे बीत गया कि कुछ पता ही नहीं चला. कुछ ऐसा लग रहा बस कुछ मिनटों के दौरान ही पूरी शूटिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया. लेकिन बहुत इन्जॉय करा. इस किस्म की पहले बार इस किस्म की कॉमेडी फिल्म मैंने अटेम्प्ट की है. इस किस्म का कैरेक्टर मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया है एंड एकदम ऐसा लगा कि हाँ अपने इस करियर में, इस 3 साल के करियर में मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है, कुछ हटके करने को मिल रहा है इवन दो इट इज़ अ रिपीट ऑफ अ कॉमेडी. हम जानना चाहेंगे क्या ब्रीफ दिया था डायरेक्टर ने आपको इस फिल्म के लिए? जब मैं संगीत जी से पहली बार मिली तो उन्होंने सिर्फ मुझे पिक्चर की कहानी बताई. मेरे कैरेक्टर का नाम मुझे जब तक वो नरेट कर रहे थे तब तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे कैरेक्टर का नाम क्या है. और उनके नरेशन के बाद मैंने सोचा कि ओ गॉड प्लीज़ वो ही कैरेक्टर मेरा होना चाहिए. एंड ऐसा हुआ कि हाँ वो ही कैरेक्टर मुझे दिया गया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था एंड मेरे लिए परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी यादगार कैरेक्टर है. काफ़ी मैड कैरेक्टर है और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में किसी ने भी श्रीदेवी जी को छोड़ के इस किस्म के कैरेक्टर को अटेम्प्ट नहीं किया है. सेलिना आप माता आपके रोल के बारे में थोड़ा एलाबोरेट करेंगे अपने रोल के बारे में, क्या रोल है आपका इस फिल्म के अंदर? मैं कहूँगी कि मैं एक बैड गर्ल प्ले कर रही हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे को बोलने की इजाज़त नहीं है. और काफ़ी कैरेक्टरलेस कैरेक्टर है मेरा और जिस किस्म से ये कैरेक्टर अपना हर काम करवा लेती है बिना कुछ ज़्यादा बोले या बिना कुछ बातों बातों में कौन करके, वो ही खासियत है इस कैरेक्टर की कि सब कुछ उसमें इतनी उसकी खूबी यह है इस कैरेक्टर की कि वो जो चाहे जिसको चाहे अपने बस में करके अपना काम निकाल लेती हैं. एंड काफ़ी मज़ा आया इस कैरेक्टर को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इस कैरेक्टर को करके मुझे. एंड मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में आज तक किसी ने भी इस किस्म के कैरेक्टर को नहीं निभाया है. थोड़ा बहुत जी हाँ श्रीदेवी जी ने ज़रूर किया है. जैसा कि हमने देखा शूट हो रहा है बिल्कुल आउट एंड आउट कॉमेडी सी लग रही है फिल्म जी, बहुत ज़्यादा हंसी का फवारा कह सकते हैं इस फिल्म में. हम इस फिल्म के टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे, इस फिल्म के टाइटल के बारे में. देखिए आज दुनिया में सबसे अहम चीज़ है पैसा, ये आप भी बात मानेंगे ये मैं भी मानूंगी. लेकिन पैसे की असलियत बहुत गंभीर भी हो सकती है और उसी चीज़ को एक कॉमिक तरीके से कि जब एक इंसान अगेन थोड़ा पैसा खर्च करके पिक्चर देखने जाए तो पूरे टाइम दुख दर्द की कहानी सुनना पैसे को लेकर अच्छा नहीं लगता है. हमने पैसे की कमी और पैसे की चाहत को एक कॉमिक तरीके से प्रेजेंट किया है इस पिक्चर में, अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स के थ्रू, अलग अलग सोसाइटी के कैरेक्टर्स के थ्रू. एंड उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी ये पिक्चर. हमारे गाने पे जी अगर देखा जाए सेलिना जी तो सुहाग जी ने अभी तक अपनी फिल्म के अंदर फिल्म से ज़्यादा गानों के अंदर डिटेलिंग की गई है. ठीक है, उनकी फिल्म आने से पहले फिल्म सुपर हिट हो जाती है, इस फिल्म के गाने के बारे में हम ज़रा जानना चाहेंगे. देखिए दैट इज़ वाई सुभाष जी को शो मेकर कहा जाता है, शो मैन कहा जाता है, क्योंकि ही नोज़ हिज जॉब वेरी वेल, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड सुभाष जी बिसाइड्स बीइंग अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, उनकी एक खासियत उनका जो ईयर फॉर म्यूज़िक है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है. उनकी खुद की मेरे ख्याल से अगर वो चाहे तो खुद भी म्यूज़िक दे सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट है जहाँ तक, और म्यूज़िक की इतनी अच्छी पहचान है कि अगर वो चाहे तो खुद से भी म्यूज़िक दे सकते हैं. उन्होंने जो पिक्चर के लिए जो म्यूज़िक सुभाष जी ने और संगीत जी ने मिलकर जो चूज़ किया है बहुत मास अपील है. एंड एट द सेम टाइम मैं कहूँगी एज अ क्लास अपील भी है. सो यही खासियत है इस पिक्चर के म्यूज़िक की कि मास और क्लास अपील वाला म्यूज़िक है जो कि सबको पसंद आएगा. मेरे ऊपर पिक्चर में 1.5 सॉन्ग पिक्चराइज्ड है. टोटल पिक्चर में 3 गाने हैं मेरे ख्याल से, 3 या 4 गाने हैं जिसमें से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्माए गए हैं, बाकी सब बैकग्राउंड म्यूज़िक में.
मैं ये कहना चाहूँगी कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर का एक टैलेंट होता है एंड बहुत ही डिफरेंट म्यूज़िक दिया है एंड बहुत मज़ा आया उनके गानों पे काम करके. आई कांट डू दैट बिकॉज ऑफ क्लैशिंग विथ माई टू फिल्म. सो कैन वी टॉक अबाउट समथिंग एल्स. डायरेक्टर के बारे में संगीत सीवन, जिन्होंने पहले भी फिल्म बनाई, बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर हैं, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे. आपने बिल्कुल ठीक कहा, संगीत जी इज वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट डायरेक्टर्स आई हैव एवर वर्कड विद. इतने पंक्चुअल काम निकालना, इतना अच्छे से काम निकालते हैं कि पता ही नहीं चलता. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सुबह 9 बजे की शिफ्ट कब शुरू हुई और कब 6 बजे शूटिंग ख़त्म हो गई. इतने झटझट शॉट्स होते हैं, शॉट डिविजन परफेक्ट, स्टोरी सेंस उनकी एब्सोल्युटली, सेंस ऑफ ह्यूमर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉमेडी फिल्म में, डायरेक्टर का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है. एंड संगीत हैज़ फैबुलस सटल सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर है, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. सभी कोस्टार्स के बीच में काफ़ी कमरादरी थी, हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया. रितेश, सुनील शेट्टी, जैकी जी, मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर पूरी पिक्चर में सिर्फ इन लोगों के साथ ही है. राजपाल इन लोगों के साथ ही हैं एंड बहुत अच्छा लगा सब बॉयज़ के साथ में काम करके. एंड काफ़ी छेड़छाड़ रही सेट पे और आई थिंक क्योंकि हम लोग सब अच्छे दोस्त हैं इसलिए कॉमेडी टाइमिंग में वर्क. कहाँ से? हाँ, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है तो इसमें कॉमेडी टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम सब अच्छे दोस्त हैं, आई थिंक कॉमेडी टाइमिंग काफ़ी अच्छी वर्कआउट की. जहाँ तक हम सबका इंटरेक्शन का सवाल है, एज अ रिज़ल्ट पिक्चर के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा वर्क किया इस कॉम्बिनेशन. रितेश, मैं, सुनील जी, जैकी जी, राजपाल जी, सभी बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं. सुनील जी मेरे पहले कोस्टार रह चुके हैं, उनके साथ फिर से काम करने में बहुत मज़ा आया. रितेश के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त रह चुके हैं. राजपाल जी अगेन वेरी फैबुलस एक्टर. एंड जैकी श्रॉफ ऑफकोर्स, आई हैव बीन अ फैन ऑफ जैकी श्रॉफ सिंस चाइल्डहुड, तो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विथ हिम. सलीना, आज हमने देखा शूट हो रहा है यहाँ पे, श्रेयास हैं, रितेश हैं, आप हैं, प्रिया सेन है, कोयना मित्रा हैं, आज क्या शूट हो रहा है? आज हमारे पिक्चर का फिनाले, फाइनल क्लाइमैक्स शूट हो रहा है. पिक्चर के आखिर में स्टोरी किस तरीके से कल्मिनेट होती है वो शूट हो रहा है. काफ़ी क्योटिक क्लाइमैक्स है इसीलिए काफ़ी लोग हैं सेट पे. शादी का पंडाल लगा है, शादी का माहौल है और इससे ज़्यादा तो मैं आपको बता नहीं सकती. लेकिन ऐसा क्लाइमैक्स है जिसमें फिल्म के सभी आर्टिस्ट की ज़रूरत है. शूटिंग जहाँ तक मेरे शेड्यूल्स का सवाल है, सारी पिक्चर मुंबई शहर में ही फिल्माई गई है, ज़्यादातर कमालिस्तान स्टूडियोज़ में. सेलिना, 2-4 साल के बाद आप इस फिल्म को क्यों याद करेंगी? क्या स्पेशल इस फिल्म के अंदर? इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर जो है, चाहे वो सुनील जी का हो या जैकी जी का हो या मेरा हो या श्रेयास का हो या ऑफ कोर्स इस पर अनुपम खेर जी भी हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, या रितेश का हो, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बड़े पर्दे पर पहली बार देखे जाएंगे और बहुत ही यादगार कैरेक्टर्स हैं. हर कैरेक्टर की अपनी अपनी खूबी है, अपना एक तरीका है जो कि लोगों के जहन में बैठ जाएगा और लोगों को काफ़ी अरसे तक याद रहेगा. कुछ कैरेक्टर्स के नाम ऐसे हैं जो कि ज़बान पे सुनते ही चढ़ जाएंगे, कुछ कैरेक्टर के काम ऐसे हैं जो कि देखते ही लोगों को याद रहेंगे. अगर एक कैरेक्टर वाइज किसी पिक्चर के साथ कंपेयर किया जा सके तो मैं शोले पिक्चर के कैरेक्टर जैसे लोगों के जहन में अभी तक इतने सालों तक बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मुझे उम्मीद है, इनफैक्ट यकीन है कि इस पिक्चर के कैरेक्टर्स भी लोगों के जहन में ऐसे ही समा जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू.